हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहां पर चार कलियों वाली शलवार की कटिंग बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहां पर 1.25 मीटर में शलवार की कटिंग की है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने पहले फैब्रिक को ओपन कर लिया है, फिर किनारे से किनारे पकड़ को डबल हम फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों किनारे को पकड़ लिया है, जो इसकी कन्नी है वो मैंने पकड़ ली है दोनों साइड। वो जो किनारी साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। आप देख सकते हो ये किनारी साइड है, ये देखिए मैंने किनारी साइड से इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड मैंने यहाँ पर किया है 6 इंच, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने साइड में जो कपड़ा छोड़ा है वो 7.5 इंच का हमारा कपड़ा रहेगा। 37.5 इंच सलवार की टोटल लेंथ है। यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लगाया है, जो हमारा मार्जिन का रहेगा। आप देख सकते हो हमने इंची टेप को ऊपर की तरफ 5 इंच निकाला है, तो हम इसमें 5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। उसके बाद हमने टोटल लेंथ ली है 36.5 इंच, जितने भी आपकी लेंथ हो, कम ज़्यादा आप रख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, हम नीचे की तरफ 2.5 इंच मोहरी के लिए कपड़ा छोड़ेंगे। हम इसी में मोहरी को रख रहे हैं, अलग से हम मोहरी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चौड़ी मोहरी ली है, तो 2.5 इंच, या फ्रेंड्स आप 5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ सकते हो, या डायरेक्टली आप 31.5 इंच पर निशान लगा सकते हो। आपका जो भी नाप है, बेल्ट का जो नाप रहेगा उसको माइनस करके आप जितनी भी लेंथ लोगे पूरी लेंथ रख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 24 इंच चौड़ाई बेल्ट का निशान लगाया है। 1/2 इंच यहाँ से मार्जिन रहेगा और 5 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, और 2 इंच का इसका नेफा रहेगा जो कि फोल्ड होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच टोटल बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है। 5 इंच की बेल्ट है और 2 इंच का इसका नेफा है। 6 इंच के मैंने इसके पार्ट रखे हैं, 6 इंच के, और 2.5 इंच यहाँ पर मैंने मोहरी के लिए लिया है। और ये जो कपड़ा रहेगा यहाँ से हम आसन निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कम कपड़े में भी घेर वाली शलवार बना सकते हो। ये मैं आज आपको बिल्कुल अलग हटके तरीका बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पट और इसकी मियानी और बेल्ट एक ही अर्ज में से मैंने निकाली है। और ये देख सकते हो बेल्ट भी कट चुकी है। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे मियानी के लिए। मियानी की जो चौड़ाई रखनी है हमने नीचे साइड से, यहाँ रखेंगे हम 2.5 इंच, जो कि ओपन होकर यह हो जाएगी 5 इंच। लेंथ लेनी है हमें यहाँ पर 6.5 इंच। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने एक ही अर्ज में से इसकी बेल्ट और मियानी और पट तीनों चीज़ें निकाली हैं। तो कम कपड़े में से भी आप घेर वाली शलवार इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मियानी की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने ये पट निकाले हैं, इसके बाद बेल्ट है, उसके बाद साइड वाले कपड़े से मियानी। अब हमने यहाँ पर डबल कपड़ा रख लिया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डबल कपड़ा फोल्ड किया है, किनारी मैंने अपनी तरफ की है, और पट को बराबर रखते हुए इस तरीके से हम मिला लेंगे। 1/2 इंच मैंने पट को ऊपर की तरफ चढ़ाकर रखा है, जो कि हमारे सिलाई में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 इंच के हमारे पट हैं। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम आपको पट हटाकर दिखाएंगे। 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाया, क्योंकि हम 7 इंच की मोहरी रखेंगे। हमारा मार्जिन हो गया पहले निशान। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से सिलाई में इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम मोहरी के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मोहरी रखेंगे टोटल 7 इंच की। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने मोहरी के निशान लगा लिए हैं, जो कि हमारी कली नीचे से रहेगी। जो भी आपका मोहरी का साइज़ है, आप उसमें 1/2 इंच मार्जिन लेकर, यानी कि टोटल 1 इंच का मार्जिन रहेगा, 1/2 इंच कली हमारी दब जाएगी। तो ऊपर की तरफ हमने यहाँ से 5 इंच इंची टेप को निकालते हुए 15 इंच पर आसन का निशान लगाया है। आप देख सकते हो अगर आप बेल्ट से अलग निशान लगाओगे तो आप 10 इंच पर निशान लगा सकते हो। और आसन से नीचे मोहरी तक हम इंची टेप को इस तरीके से रख लेंगे। यहाँ पर हम कली की कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको चार कली की शलवार की कटिंग बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 2 कली हमारी कट चुकी हैं, और साइड वाला कपड़ा है उसको हम पलट कर रख लेंगे, और जो हमने कली कटिंग की है उस कली को इसी के ऊपर रख कर कली की कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप कम कपड़े में खेर वाली सलवार इस तरीके से बना सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने यहाँ पर देखिए 2 कली और जो थी साइड से हमने कपड़ा लिया था, वहाँ से 2 कली और हमने निकाल ली है, और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने जो आसन के बराबर रखना है दोनों कलियों को बराबर, ये देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है सलवार कटिंग का, और बेल्ट भी और आसन भी मैंने इसमें कटिंग की है। बहुत ही इजी और बहुत ही कम कपड़े में ये घेर वाली शलवार बनकर तैयार हो जाएगी अगर आपके पास। तो फ्रेंड्स, ये सलवार 1.25 मीटर कपड़े में बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।